सोंग नदी में अवैध खनन का कारोबार लगातार जारी है, जबकि पिछले सप्ताह इसी अवैध खनन का खामियाजा 6 साल की बच्ची को भुगतना पड़ा था, जब अवैध खनन के गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई थी। और मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फिर अवैध खनन के दौरान एक मजदूर के घायल होने की खबर सामने आई है। सोंग नदी में अवैध खनन करते हुए मजदूर के पैर पर पत्थर गिर गया, इस दौरान मजदूर पूरी तरह जख्मी हो गया। तभी साथ में काम कर रहे मजदूरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि डोईवाला सोंग नदी में खनन माफिया दिन रात अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं और इन माफियाओं को प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है। वहीं इस वजह से राज्य सरकार को प्रतिदिन राजस्व की लाखों की हानि हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है, जो कि सरकारी महकमे की ईमानदारी पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।